नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रीसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस में बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर जो बोल रहे हैं, सर थोड़ा सा एक बता दीजिए एक्सपेक्टेड क्या होगा। देखो, अभी तो बहुत ही अर्ली है बताना, लेकिन आज का ट्रेंड अगर तीनों शिफ्ट को मिला के हम लोग अगर बात किया जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में, तो ओवरऑल देखा गया आपका 65 से हम लोग मानते हैं 73 इज़ अ गुड अटेम्प्ट। तीनों शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन इधर उधर करके ये आपका जो है गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो देखो, गुड अटेम्प्ट है तो बच्चे जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम प्रेशर में कुछ गलत भी करेंगे। तो अगर हम लोग मान लेते सिक्स, अगर गलती भी है मिनिमम भी मान लेते हैं, तो तब भी आपका सिक्स गया और इसके लिए दो और गया, मतलब 8 मार्क्स अगर आप घटाओगे इससे, तो इट अराउंड अपर जो आ रहा है 65 आ रहा है और नीचे का जो आ रहा है 58 आ रहा है, ठीक है। तो 58 से 65 आपका होना चाहिए, ठीक है, गुड अटेम्प्ट को मानते हुए। लेकिन देखो, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, देखो फाइनल सिलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन से ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हम लोग जानते हैं नोटिफिकेशन में जो दिया है 1:2 कॉल आएगा, मतलब फिजिकल के लिए 1:2 कॉल आएगा, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसको जो ऑब्जर्व करके ये अभी जो आ रहा है उसका कट ऑफ अगर हम लोग बात करें, तो देखो मुझे जितना समझ में आ रहा है, दैट इज़ यूअर का 55 से 60 रखोगे तो आपका सेफ रहेगा, क्योंकि ये पेपर अगर थ्रू आउट द रहे, और ऊपर से देखो क्या होगा इसके बाद आपका रीजन वाइज जो है कट ऑफ निकलेगी, तो अलग अलग रीजन का अलग अलग हो सकता है गाइस। ओबीसी का देखो 53 से 58, एससी का 42-47 एंड एसटी का भी आपका 42-47। तो दिस कुड बी द कट ऑफ एक्सपेक्टेड, आप एक दिमाग में बैठा लो। और ये एकदम देखो ये एकदम इनिशियल लेवल है जो है नॉर्मल, जितने भी मुझे फीडबैक्स मिले हैं स्टूडेंट से, उनका एग्ज़ाम जो था और जो है ओवरऑल गुड अटेम्प्ट देखते हुए ये बनाया गया है। तो आप आइडिया रहो, इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो अगर आप उतना मेहनत करो, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आ गया है, आप मेहनत करके उसको कर लो गाइस, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।